तो बीपीएससी शिक्षक बहाली के पेपर लीक मामले पर सियासत काफी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने जहां पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया है। सम्राट ने कहा कि यह आरजेडी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है और जो भी पेपर लीक में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी हाल में बीपीएससी के दुश्मन को नीतीश छोड़ेंगे नहीं। सत्रह महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? ये राजद नहीं है, एक एक चीजों की जांच हो रही है नीचे कर। और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? बिहार में बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का पेपर लीक होने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक कांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। तेजस्वी की तरफ से किए गए सियासी वार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है।